मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रविवार की सुबह प्रशासन की टीम ने कुख्यात बदमाश धर्म ठाकुर के नयापुरा स्थित अवैध मकान को जमींदोज किया। इस दौरान जहां पुलिस को दो तलवार और एक चाकू मिला, वहीं महिलाओं ने प्रशासन की कार्रवाई पर जमकर हंगामा किया। हालांकि अधिकारियों के सामने उनकी एक नहीं चली। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त आदेश के बाद मिलावटखोर और कुख्यात बदमाशों के खिलाफ पिछले कई दिनों से निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम रविवार की सुबह एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित नयापुरा पहुंची, जहां कुख्यात बदमाश धर्म ठाकुर के अवैध निर्माण को जमींदोज किया। हालांकि इस दौरान घर में मौजूद महिलाओं ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ जमकर हंगामा किया, लेकिन अधिकारियों के सामने उनकी एक नहीं चली। निगम कर्मचारियों ने घर में रखे सामान को बाहर निकालकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके से दो तलवार और एक चाकू मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। नगर निगम अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के द्वारा शहर के हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में लिप्त गुंडे धर्म ठाकुर के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। इसके अलावा दूसरी कार्रवाई मल्हारगंज थाना क्षेत्र में की गई, जहां एक निर्माणाधीन मकान को तोड़ा गया। आज जो पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई चल रही है निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है, ये कुन्नों के खिलाफ इनके अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। उसी कड़ी में आज की कार्रवाई ये चल रही है। ये जोन नंबर 2 है और एयरपोर्ट थाना लगता है। ये धर्म पिता बिहारी ठाकुर का मकान है जो कि अवैध था, इसीलिए इसको तोड़ा गया। और भी इसके अलावा एक मल्हारगंज थाने में एक कार्रवाई हमारी अलग पैरेलल चल रही है। उसमें अभी मकान निर्माणाधीन था, वहाँ एक अलग टीम गई हुई है, वो कर रही कार्रवाई। नाम क्या है उसका? नाम मुझे पता नहीं है, नाम अभी ध्यान नहीं मुझे, लेकिन वो भी तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, वो भी गुंडा लिस्ट में। कितना एरिया रिमूव कराया होगा आज? हम लोग जहाँ खड़े हैं ये तो काफ़ी बड़ा मुझे लगता है, ये करीब 1.5 एकड़ 2 एकड़ करीब ज़मीन है, और मकान तो मुझे लगता है ये कुल 1,500-2,000 स्क्वायर फीट में बना होगा। पुराना टपरा जैसा मकान था, उसको तो तोड़ दिया गया है। और ज़मीन का पता करते हैं अभी। यहाँ पहले इन लोगों ने ये जो रोड बन रही है, आप लोगों ने देखा मेरे दाहिने तरफ रोड बन रही है, इसको रोड को भी नहीं बनने दिया था। और इन लोगों की इस इलाके में बड़ी दादागिरी गुंडागर्दी थी और कई मतलब संगीन किस्म के अपराध इनके नाम पर हैं। बहरहाल प्रदेश भर में प्रशासन की कार्रवाई से जहां भूमाफिया और बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आम जनता में जरूर राहत की सांस देखने को मिल रही है। फिलहाल देखना होगा कि इंदौर प्रशासन का अगला निशाना कौन होगा। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।